हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार। आप देख सकते हैं ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। तो मैं आज आप लोगों के सामने लाइव स्टडी करके दे रहा हूँ। अब देखना है इसको कैसे इसको स्टडी करते हैं हम। ठीक है, जैसे वेव्स के हिसाब से हम अगर कंसीडर करते हैं तो ये हम डेली का टाइम फ्रेम ले रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर सेम कैसे काउंटिंग करते हैं बताया मैंने। ये आपका हायर, ये आपका इम्पॉर्टेंट हाई हो गया और ये आपका इम्पॉर्टेंट लो। तो इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हो ये बॉटम बना हुआ है। एग्जैक्टली ये जो इसको बॉटम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये बॉटम है 508.20 का और ये जो बॉटम है 508 का है, राइट। तो अगर हम इसको करेक्शन की तरह से काउंटिंग करते हैं ना, तो लुक इसको हम रखेंगे ए, इसको बी और दिस इज द सी, राइट। दो तरह से मैं काउंटिंग करके दिखाता हूँ। अब हम इसको ना, इस पूरे ए बी सी को हम ए रख लेते हैं। इसको मैं ए मानता हूँ इसको। तो अब देखो इस चीज को, ये मेरा ए रख हो गया तो ये जो फॉल होगा ये बी माना जाएगा, ठीक ना। ये जो फॉल हो रहा है उसको मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ और बी हमारा क्या देख रहा है, ये एग्जैक्टली 61.8% है और यहाँ पर बहुत बढ़िया बाई बना है, बहुत ही बढ़िया बाई बना है। तो इसको मैं बी रखूंगा अगेन, इसको मैं बी रखता हूँ। फ्लैट करेक्शन में इसको मैंने बी रख दिया, राइट। अब अगर हम इसको वेव्स की तरह कौन कंसीडर कर रहे हैं तो ये नए हाई की तरफ, जो इसका हाई कटना चाहिए तो हम इसको सी की तरफ लीड करेंगे। तो ये मेरा सी बनेगा, ये मैं इसको सी रख रहा हूँ। आप देखो इसको, ये मेरा सी हो गया। तो मेरा अगर ये जो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, ये बनेगा लो है हमारा 527, तो मैंने 520 का स्टॉप लॉस रखा हूँ, 520 का स्टॉप लॉस रखा हूँ और इसको लॉन्ग ले लिया है मैंने इसको लॉन्ग लिया हुआ 520 के स्टॉप लॉस से। अगर मैं वेट करूंगा अपने टारगेट के लिए तो मेरा टारगेट जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन 579 के आसपास, ठीक है। 561.8% तो 579 के आसपास ये टारगेट बनना चाहिए, ठीक है। ये तो करेक्शन की काउंटिंग हो गई। अगर मैं इसकी बात करूँ, वेव्स की काउंटिंग की बात करूँ, तो मैं इसको वन रखूंगा, इसको टू और इसको थ्री और इसको फोर, अगेन अगेन फिफ्थ, ठीक है। तो मुझे जहाँ प्रोबेबिलिटी लग रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टेन लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, तो अब देखो इसको टेन लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैं जीरो और बी की टेन लाइन ड्रॉ किया और इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको टेन लाइन को मैं ए पर रखा, तो मेरा प्रोजेक्शन एग्जैक्टली जो है 161.8% हो रहा है, 161.8% के आसपास आएगा। तो इससे गुड टाइम टू बाई एट हियर विद स्टॉप लॉस ऑफ 520 या 520 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है। तो गाइस ये हमारा लाइव वीडियो है और इसको आप वॉच करो और जैसा हो मुझे कमेंट करके बताना आप गाइस, ठीक है।